22 जुलै 2021 रोजी महाड पिरवाडीमध्ये महापूर आला होता. या महापुरामध्ये अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले होते, अक्षरशः होत्याचे नव्हते झाले होते. यातच मोठ्या प्रमाणात घराचे नुकसान झाले होते. जमियत उल्मा ए हिंद महाराष्ट्र या संस्थेने महाड आणि बिरवाडी लाडवली म्हणून 45 घरे बांधून दिली आणि आज दिनांक 21 मे 2022 रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक येथे घराच्या चाव्या राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्षद मदणी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आल्या. यावेळी या कार्यक्रमाला संस्थेचे अध्यक्ष मुफ्ती खोपटकर, आमदार भरत गोगावले, नगराध्यक्षा स्नेहल जगताप, पालकमंत्री आदिती तटकरे व आदी मान्यवर उपस्थित होते. महाराष्ट्राची जर का आपण जर का इतिहास पाहिला तर निश्चितपणे राज्य ह्या हा एक आहे आणि ह्या राज्यामध्ये असणारे सर्वच नागरिक हे एक आहेत. कोणतंही राजकारण ह्याच्यामध्ये न आणता राजकीय सर्व गोष्टी बाजूला ठेवून राज्यामध्ये असणारे सर्व नागरिक हे एक आहेत हे फक्त म्हणण्यापुरतं नसून हे खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी सिद्ध करून देणारी ही ऑर्गनायझेशन आहे. म्हणून ह्या सर्व ऑर्गनायझेशनला सर्वप्रथम मी धन्यवाद देऊ इच्छिते. हीच खऱ्या अर्थाने आपल्या आज महाराष्ट्राची संस्कृती आहे की आपण सगळेजण एक आहोत आणि मानव धर्म हाच खऱ्या अर्थाने सर्वात महत्त्वाचा धर्म आहे ह्याची शिकवण आज आपल्या या सगळ्यांच्या माध्यमातून आम्हाला सगळ्यांना पाहायला मिळते. खरं तर 22-23 रोजी आलेला महापूर हा आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. खूप भयंकर असं संकट महाड शहरावरती संपूर्ण महाड तालुक्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं. मला निश्चितपणे आनंद ह्या ठिकाणी एवढंच आहे की आपण ह्या ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून फक्त मला असं वाटतं आपल्या ह्या पुराच्या संदर्भातच नव्हे तर त्याच्या आधीचा आपण काळ पाहिला तर कोविडच्या बाबतीमध्ये सुद्धा ज्या वेळेला कुठलीही व्यक्ती घरातल्यांमध्ये जर का झाला तर रूमपर्यंत जात नव्हती तरीसुद्धा आपल्या सर्व बांधवांनी त्या ठिकाणी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता सगळ्यांनी एकत्रितपणे येऊन सर्वच समाजाच्या लोकांना या ठिकाणी मदत केली त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांचे मनापासून खूप या ठिकाणी आभार व्यक्त करते. खरं तर मी आपल्या सगळ्यांचीच नक्कीच ऋणी राहीन कारण एखादी कोणती आपत्ती ज्या वेळेला येते त्यावेळेला ती कोणतं जात धर्म या ठिकाणी पाहून येत नाही ती सगळ्यांसाठी एक समान असते. पण आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी एकत्रितपणे येऊन हे जे महाडवरचं संकट आहे किंबहुना महाड तालुक्यावरती आलेलं संपूर्ण संकट आहे हे आपण सगळ्यांनी एकत्रितपणे येऊनच या ठिकाणी महाडचं तालुक्याचं पुनर्वसन या ठिकाणी करण्यामध्ये जो हातभार लावलेला आहे तो निश्चितपणे आमच्यासारख्या तरुण पिढीला एक आदर्शच आहे. आणि म्हणून मी जास्त वेळ घेणार नाहीत. माझ्यापेक्षा वरिष्ठ या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करत असताना मी फक्त आपल्या सगळ्यांना एकच और राशन और पाणी लेके वो पोहोचे ते जहां जहां एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं पहुंच पाया वहां पर भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन पहुंची और उन्होंने बहुत ज़्यादा वहां पर लोगों की मदद की. पानी हो, पीने का पानी हो या फिर राशन हो या फिर बाकी जो हम जिंदगी नए से शुरू करने के लिए जो भी सब चीज़ें लगती हो वो आपने वहां पर तभी तुरंत ही दे दी. मुझे याद है कुछ दिन पहले और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे आपसे ही आपके ही जैसे बहुत ज़्यादा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और भी है जिन्होंने महाड़ में ही शायद तभी आमदार विधायक जो है वो और स्नेहल ताई भी थे वहाँ पर भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मतलब घर पे लगने वाला कबर्ड हो स्टूल हो या फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो उनके साथ उन्होंने नए तरीके से अपना आशियाना बसाने के लिए आपने सब जितनी चीज़ें लगती उतनी यहाँ पर भी हम तो हमेशा से जब भी आप सबके प्रोग्राम्स अटेंड करते तब मैं एक बात तो वहाँ पर उसका जिक्र तो हमेशा करती हूँ कि अल्लाह ने हमारे हाथों में लकीरें तो दे दी है लेकिन उनमें सही रंग भरने का काम हमें ही करना पड़ता है जो आप जैसे लोगों की वजह से हो रहा है. मुझे लगता है कि ऐसा ही काम आगे भी हो, सैलाब ना आए, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो या आपत्ति हो ये ना आए, ऐसी दुआ हम सब अल्लाह से ईश्वर से करते रहेंगे. लेकिन अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो तो जितनी एकता से हमने पिछली बार काम किया उससे कई ज़्यादा ऑर्गेनाइज पद्धत एक तरीके से हम आगे भी काम कर सकते हैं. इस बार हमने 2-3 चीज़ों का हम फॉलो हमने जमीयत उलमाए रायगढ़ इसके तवस्सुस से जमीयत उलमाए महाराष्ट्र और जमीयत उलमाए हिंद इन तमाम के मदद से एक प्रोग्राम
यहाँ पर मुनाकिद किया था कि जिसके अंदर अभी जो महाड़ में सैलाब आया था और जो तबाही मची थी उसमें जमीयत उलमा ने एक मोहब्बत भरा पैगाम इस देश को और उम्मत को पहुँचाया है कि जहाँ यकजहती और मोहब्बत भरा पैगाम इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमने पहुँचाया कि यहाँ पर हमने माली ताउन भी किया जो हंगामी तौर पर था और इसी तरह उनके घरों को भी बाज़ अबेर की और जो है उनके अब यहाँ पर जहाँ हमने 18 घर गैर मुस्लिमों के बनाए और 27 घर तकरीबन हमारे मुसलमान भाइयों के बनाए तो इस तरह एक इस जमीयत के ज़रिए से हमने इस मुल्क के अंदर ये पैगाम दिया है कि ये मुल्क यकजहती और मोहब्बत और इसके ऊपर चलता है। यही इस आज के हमारे इस प्रोग्राम का ये मकसद था। आज हमने उन घरों की तामीर मुकम्मल करके उनकी चाबियां उनके सुपुर्द की है। खुपट करने तो हमारा पीछा छोड़ा नहीं, बोले कि कुछ भी हो आना ही चाहिए। तो आज हमारे माजी नगर अध्यक्ष दीदी और अपने सब बुजुर्गों जो हमारे बड़े लोग हैं छोटे लोग जो भी हो उस स्टेज पर बैठे और सामने जो आए हैं हमारे अध्यक्ष के जो कोई चार बोल सुनेंगे कि इतने दिल्ली से आए हैं और हम लोग इधर ना आ पाए तो इससे दुर्भाग्य कोई हो ही नहीं सकता है। और इसलिए आज हम तो मेरा पुणे में प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था। खोपट कर बोले कुछ भी होना आपको आना ही है। मैं बोला ठीक है, हमारे इतने बड़े आदमी हमारे इधर आते हैं और हम इधर नहीं आए तो अच्छा नहीं हो सकता। आज जो अपन घर के चाबियां देने जा रहे हैं जिसका 22-23 जुलाई में जो बहुत बड़ा हादसा हो गया और उसमें बहुत गरीब लोग का बड़े लोग का सबका ही नुकसान हो गया। गवर्नमेंट ने जो जितना देना था दे दिया, लेकिन आप लोगों ने और ख़ास करके मुस्लिम समाज ने पूरे कि हम लोग तो 18-20 दिन ये सब देख ही रहा था। पहला तो आपका आना हुआ जिले से सब लोगों का हमारे राजौड़ी में हमने देखा उन लोग और सब जो अभी अपने बताया क्या परभनी से आए, जलगांव से आए, औरंगाबाद से आए, सब जगह से आए, मुंबई से, पुणे, दिल्ली सब से आए और जितना जो हो सके उतना तो आप लोगों ने मदद किया ज किया, उसका तारीफ करता हो, उसका शुक्रगुजार हूँ। हमने खाना पीना अनाज दे दिया, वो निकल गया। लेकिन जो अभी आप लोग घर देने जा रहे हैं वो आपका जन्म तलक आपका एहसान भूल नहीं सकता है और उन्होंने भूलना भी चाहिए नहीं, ये मेरा उनको कहना है। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी रायगड न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।